हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? देखो, फिर से मैं एक वीडियो लेके आया हूँ नया अपना। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ जो हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, इंडिपेंडेंट हाउस। उसके लिए मैं आपको दिखाने आया हूँ। ये देखिए, मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो विला, वो इंडिपेंडेंट विला है और वो 100 गज में बना हुआ है। 900 स्क्वायर फीट बोलते हैं उसे, 900 स्क्वायर फीट में मिलेगा वो। ये इसका मेन एंट्रेंस है, यहाँ से आप देखें तो एक बड़ा गेट है। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनेंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ से मेन एंट्रेंस से हम अंदर जाएंगे, यहाँ समरसीबल हमने लगाया है और यहाँ हमने सेफ्टी टैंक भी बना के दिया है। ये देखिए, कार पार्किंग है इस एरिया के अंदर। काम चल रहा है इस फ्लैट में, भी वाइट वॉश का काम चल रहा है। 15 डेज में रेडी टू मूव इन हो जाएगा। ये यहाँ कार पार्किंग है, ये देखिए, ये मेन गेट है। यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, जो कि मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। ये देखिए, सीढ़ियाँ आए हैं, यहाँ से ऊपर जा रही है। और ये किचन की खिड़की है, मैं आपको अब ये मेन एंट्री से हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ अभी देखो, वर्कर्स काम कर रहे हैं। और ये हमने यहाँ पे किचन बनाया हुआ है, ये सेमी मॉडुलर किचन बना के हम यहाँ देंगे। यहाँ पर हमने सिंक लगाया हुआ है, सिंक के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ खिड़की के पास हम अपना गैस का चूल्हा लगाएंगे। यहाँ जो मेन गेट बाहर का, यहाँ से एज ए सिक्योरिटी, कोई अगर लेडी काम करती है तो बाहर देख सकती, बड़े आराम से कौन आया। तो सिक्योरिटी के हिसाब से भी किचन का जो डायरेक्शन है बहुत अच्छा है। ये वाला मकान सन फेसिंग है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से ऊपर सीढ़ी का रास्ता जाता है। अब मैं दिखाता हूँ किचन के ठीक सामने, किचन के ठीक सामने ये लॉबी है छोटा सा, और इसके बाद हमने एक कॉमन बाथरूम दिया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, 15-20 दिन में इसका पोजीशन दे देंगे, ठीक है। हम बाथरूम से यहाँ निकलते हैं, ठीक सामने ये आपका किचन आ गया। और किचन से अगर हम इधर लेफ्ट लेते हैं तो ये हमारा 15x15 का ड्राइंग रूम है। इस गेट से भी हम बाहर आ जाते हैं। देखिए, ये गली है, यहाँ पे 20 फुट की गली है। ये काम चल रहे हैं, 2-4 फैमिली यहाँ आके शिफ्ट भी हो चुकी है अभी। ये बाहर का मेन गेट है, और मेन गेट से ये दूसरा गेट है, इससे हमने ये ड्राइंग रूम है। इस टाइप का इसमें काम हो रहा है। 15x15 का ये ड्राइंग रूम है। यहाँ पे हमने टीवी पैनल लगाया है खिड़की के पास में। आप अपना दीवान पलंग लगा सकते हैं यहाँ पे, आप अपना एल टाइप का सोफ़ा लगा सकते हैं। 11 फीट हमने इस फ्लोर की हाइट ली है। अब यहाँ ड्राइंग रूम से हम आगे जाते हैं तो जहाँ पे भैया खड़े हैं, ठीक है, एक कमरा हमने यहाँ बनाया हुआ। अभी हमने बंद कर रखा है, इसमें कुछ सामान रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूँगा। ये दूसरा रूम है, इससे हम दूसरे रूम में जाते हैं। ये दूसरे रूम से हम बाहर आ गए, और ये हमने पीछे एक और बाथरूम बनाया है, जो कि इस रूम के साथ इसका अटैच बाथरूम, इसे आप बोलेंगे, ये अटैच बाथरूम है। अटैच बाथरूम से हम बाहर है, सामने दूसरे रूम की खिड़की दिख रही है, वहाँ से उसमें वेंटिलेशन और एयर जा रहा है। ये सनलाइट के लिए हमने शाफ्ट बनाया, ताकि रोशनी प्रॉपर रहे घर में। दिन में यहाँ लाइट जलाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे हम अंदर जाते हैं इस रूम से। ये देखिए, देखते मकान की खूबसूरती बन रही है। ये कार पार्किंग है। अब मैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर चलकर। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं यहाँ पे। सीढ़ियों के साइड में, जिस साइड मैंने कैमरा किया हुआ है, इस साइड पर आपका स्टील का ग्रिल लगा के हम लोग दे रहे हैं। ठीक सामने ममटी पे हम यहाँ पे आपको शीशे लगा के देंगे। और ये छत आ गई है, ये टेरिस है। बैक साइड में भी काफ़ी सारे विला बनाए हैं। सामने आपको जैसे कि दिख रहा होगा, हाई राइज के फ्लैट्स हैं। 150 बीघा का हमारा ये टोटल सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी हमने बनाई है। हर घर में हम 500 लीटर की पानी की टंकी लगा के दे रहे हैं। 80% बैंक लोन इसमें आपका हो जाएगा। कैनफिन बैंक इसमें आपको दे देगा, LIC दे देगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.95 से हम इसमें लोन करवा देते हैं। लगभग 40 से 50 विला सेल हो चुके हैं। यहाँ एक गेट आएगा, देखिए आप, आइए अब हम सीढ़ी से नीचे जाते हैं। इंटरनल गलियाँ सारी इसमें 20 से 22 फुट की है। मेन रोड्स में 28 से 32 फुट के हैं। कमर्शियल शॉप्स हमने इसमें बना के हम बना रहे हैं। इसमें IGL गैस कनेक्शन आपको मिलेगा इसमें।
आप कभी भी साइट विजिट के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। उससे हम बताए मत करें कर कोई ला खुदे हर। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और नए व्यूवर्स में रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन के पास है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 150 बीघा के अंदर ये गेटेड सोसाइटी हम ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में बनाकर दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आप देखना कि मेरा फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा, कभी भी विजिट के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं साइट विजिट के लिए। इसमें हमने 55 गज, 72 गज, 65 गज, 80 गज, 85 गज, 90 गज और 100 गज के विलास बनाए ऑन डिमांड। इससे बड़ा भी अगर आप विला बनवाना चाहते हैं तो वो हम बना के दे देंगे। सामने आप जो देख रहे हैं ये जो नए विलास बने हुए हैं, इनमें लोग शिफ्ट कर चुके हैं, 2 से 3 फैमिलियाँ इसमें आ गई हैं। सामने 68 गज के विला हैं, और ये वाला मैं आपको एक फ्लैट दिखा रहा हूँ, इंडिपेंडेंट विला दिखा रहा हूँ। ये भी रेडी टू मूव इन होने वाला है 5 दिन के अंदर। ये 71 स्क्वायर यार्ड का है, इसका थोड़ा लेआउट अलग टाइप का है। वो इसका फ्रंट कमरा है, जहाँ से हम अभी इधर से आए, ये इसका फ्रंट कमरा हो गया। यहाँ से हमने बाहर भी बाथरूम दिया है। फ्रंट कमरे से हम अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपका ड्राइंग रूम आ गया। ऊपर इसमें हमने वेंटिलेशन साफ्ट इसमें बनाया है। सामने हम एक ओपन किचन बना रहे हैं, देखते ही किचन की खूबसूरती दिख रही है। ये देखिए, ये स्पेस हमने फ्रिज के लिए रखा है, यहाँ वेंटिलेशन के लिए हमने खिड़की दी है। वैसे तो कोई जरूरत नहीं, वैसे चाहे आप इसमें यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। तो फर्स्ट रूम ये आपका ये हो गया, यहाँ से आपका बाहर जाने का रास्ता आ गया। सेकंड ये मेन गेट आ गया आपका, यहाँ से सीढ़ियाँ आपकी, और ये अंदर आपके अंदर मास्टर बेडरूम है। इस स्पेस में यहाँ अलमीरा बन जाएगा आपका, यहाँ से भी इसका वेंटिलेशन है, तो दिन में कहीं पर भी आपको लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस मकान में। तो आप देखिए, एक रास्ता ये है, एक दरवाज़ा ये है। अब हम अंदर से बाहर की साइड जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाते तो आपकी सीढ़ियाँ वगैरह जा रही हैं। स्टील हम का ग्रिल लगा के देंगे। यहाँ से फ्रंट रूम आ गया, ये यहाँ पे आप बाइक वगैरह अपनी खड़ी कर सकते हो। यहाँ भी सीढ़ियाँ बनेगी, काम चल रहा है अभी साइड पर। आप कभी भी साइड विजिट के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू।